माँ और दादी माँ के नुस्खे हम सब जानते हैं कितने ही असरदार और कितने किफायती होते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा ही एक बिल्कुल किफायती सा और असरदार नुस्खा जो मेरी माँ का है, जो वो हमेशा यूज करती हैं। बहुत ही एक लवली सी रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टंटड़ान, सो ये है आज की हमारी रेमेडी जो DIY हम करने वाले हैं। ये सुपर, मतलब इसको देख के ना इतना अच्छा लग रहा है, येलो येलो आपको दिख रहा होगा। तो इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे करना है, किस चीज के लिए, वो सब हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबकी दोस्त डिंपल, मेरे चैनल डर्मा साइंस में आपका बहुत सारा वेलकम। मैं आपके लिए ऐसे ही लाती रहती हूँ स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड ब्यूटीफुल वीडियोस, जिसे यूज करके आप प्रकृति की हेल्प से नेचुरल तरीके से अपने घर बैठे इलाज कर सकते हो, अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो और छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे ऐसा प्यार दे रहे हो आप लोग, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू और प्यार की मैं उम्मीद करती हूँ, जिसके लिए आप नीचे लाइक बटन को जरूर क्लिक कर देना। सो गाइज, ये ब्यूटीफुल सी रेसिपी आप देख रहे हो, कितनी अमेजिंग सी क्रीम दिख रही है ये। एक्चुअली ये है क्या, ये है हमारी एंकल क्रैक होने वाली क्रीम, जो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन लेडीज को जो बहुत काम करती हैं, जो घर पर ही रहती हैं और अधिकतर वो नंगे पैर ही चलती हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रैक एंकल हो जाते हैं। तो ये क्रीम बनेगी कैसे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैं आपको इसका बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हो किस तरीके से मेरे पूरे अभी बहुत ज्यादा क्रैक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। इसे कैसे मैंने रिकवर किया है, इस क्रीम को लगाने के बाद क्या रिजल्ट आए हैं, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड तक वीडियो जरूर देखना, तभी आपको इसके रिजल्ट्स भी अल्टीमेट पता चलेंगे। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं ये क्रीम बनाना कैसे है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हम इजीली हम अब एक सिर्फ कैंडल का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यानी कि मोमबत्ती। पूरी मोमबत्ती भी नहीं लेनी, मेरे पास थोड़ी सी मोमबत्ती मोटी वाली है, तो आप पतली मोमबत्ती लीजिएगा। इसके नीचे का थोड़ा सा हिस्सा मैंने काट लिया है। अब इसमें मैं 3 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल बहुत ही अच्छा हमारा, अगर पेन भी रहता है किसी को तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्टली इसमें मैं ऐड करूंगी पेट्रोलियम जेली। जैसे कि आप जानते हो वैसलीन हमारे बहुत अच्छे मॉइस्चराइजेशन के काम आती है, तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर वैसलीन डाल रही हूँ। अब इसे डबल बॉयलर मेथड से आप मेल्ट करोगे, और याद रखिए कंटिन्यूस आपको इसको हिलाना ज़रूरी है, स्टिर करना ज़रूरी है। हिलाते हिलाते ही आप इसको अच्छे से मेल्ट कीजिए, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन जो थ्रेड था मोमबत्ती के अंदर वो इसमें है, तो मैं इसे बाद में निकाल लूँगी। अब आपको ये जब बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए, आप किसी भी ग्लास जार में से स्टोर करके रख सकते हो, मेरी तरह जैसे मैं इसमें रख रही हूँ। एक चीज़ और, क्योंकि मोमबत्ती वैक्स से बनी होती है, कुछ ही समय में ये जो हमने ऑयल बनाया है वो जम जाएगा और दोबारा से एक वैक्स का रूप ले लेगा जैसे आप देख सकते हो। तो इसमें वरी ना कीजिए, इसके बिफोर का वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे मैंने यूज़ किया और लगाया अपने उसी एंकल्स में, मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले, आप बिलीव कीजिए। आप भी ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे रोज़ रात को इसे मालिश करके सोइए, वैक्स फॉर्म में हो जाएगा तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। अच्छे से जितना ऑयल आप ज़्यादा डालोगे इसमें रेसिपी बनाते टाइम, उतना आपको इजी रहेगा। जब आप इसे मसाज कर लो तो सॉक्स पहनना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि अच्छे से डीप मॉइस्चराइजेशन ही प्रोवाइड करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अल्टीमेट सा नुस्खा है जिसमें आपके कुछ पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। मेरे को पूरा यकीन है आप जरूर ट्राई करोगे। आपके घर में कोई भी ओल्ड एज है, ये प्रॉब्लम बेसिकली सबको रहती है, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन मेनली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड मेनली रात को करके सोओगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, तो ताकि अच्छे से उसको टाइम मिल जाता है मॉइस्चराइज होने का। तो ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। बस इतनी दुआ करती हूँ आप लाइक जरूर करके जाओगे और इस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट करोगे, एंड कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत लिखना भूलिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिले इस DIY को यूज करने के बाद। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।